कांग्रेस ने तय किया कहां से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। रायबरेली से प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी शुरुआत। अमेठी रायबरेली में दिखेगी भाई बहन की जोड़ी। 7 मार्च की कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में होने वाला है बड़ा फैसला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा है कि आखिर कांग्रेस की दो परंपरागत सीटें अमेठी और रायबरेली, यहां से 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस बात का जवाब अब सांकेतिक तौर पर मिलना शुरू हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पहली बार चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरेगी प्रियंका गांधी। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेठी में 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में 19 में सोनिया गांधी जीत दी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद कयास से ये लग रहे थे कि आखिर कौन होगा जो रायबरेली से इस सीट पर गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा नाम की जो चर्चा थी उस पर अब बस मोहर लगने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक 7 मार्च को केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली पर होनी है, जहां पर तमाम प्रदेश भर से नेता पहुंचने लगे हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, तो हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली की सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। स्मृति ईरानी का ऐलान हो गया है, स्मृति ईरानी ने चुनौती भी दे दी राहुल गांधी को, उनका उम्मीदवारी घोषित कर दी है बीजेपी अमेठी से। देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी पहले अपने चीजों को देखें। उन्होंने कहा था 13 रुपया किलो चीनी अमेठी के लोगों को मिलेगा, 13 रुपया किलो चीनी कहा था ना भाषण में, बोला था को 13 रुपया किलो चीनी अमेठी को दे दिया, कितने लोगों को नौकरी दिया, सारे अभी अभी चुनावी गृह प्रवेश किया उन्होंने, चुनावी गृह प्रवेश किया है। अच्छे 5 साल बाद आप घर बनवा रहे हो, राहुल गांधी का वहाँ घर घर का व्यक्ति चाहता है, हर अमेठी के परिवार में राहुल गांधी का रिश्ता है। आपने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या उस बयान में बदलाव आ गया? बिल्कुल, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि राहुल जी आवें और अमेठी। अरे भाई, जब वहाँ के कार्यकर्ता चाहेगी, जनता चाहेगी, तो उससे बाहर थोड़ी। सिचुएशन बदली है कि नहीं? नहीं भाई, सिचुएशन जैसी थी वैसी है। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए तमाम जो रायबरेली के कार्यकर्ता हैं वो आज आए हैं और मिल भी रहे नेताओं से, कि वही कार्यकर्ता जनता दोनों हैं, केवल कार्यकर्ता नहीं है, जनता भी डिमांड कर रही है कि रायबरेली से प्रियंका जी आके लड़ें और वहां से मजबूती के साथ वो वहां की जनता की सेवा, जिस तरह से पीढ़ियों से गांधी परिवार करता चला आ रहा है, उस प्रकार आकर अपनी जनता अपने परिवार के बीच में आवे। अब जहां एक तरफ अजय राय अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका की लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर स्मृति ईरानी को लगी कि आखिर राहुल गांधी जो हैं, उनका लगभग तय हो चुका है कि वो दोबारा से फिर से एक बार अमेठी में चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में तंज करते हुए कहा कि भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अमेठी की सीट पर चुनाव प्रत्याशी तय करने में इतना वक्त लगा हो। सुनिए क्या कुछ आज स्मृति ईरानी ने तंज भरे अंदाज में कहा। खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का, पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की जो नई दिल्ली में 7 मार्च को बैठक होनी है, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर से तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल रायबरेली से पहुंचा कांग्रेस के कार्यालय पर, जहां पर उन्होंने मांग की कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। और ये बात इन तमाम समीकरणों के बाद ये बात लगभग पुख्ता तौर पर कही जाने लगी है कि अब जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ सकते हैं। और जब इसी बात को लेकर हमने जब कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई, राहुल गांधी ने मना कब किया है अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। सुनिए क्या कुछ दीपक सिंह कह रहे हैं। देखिए, ना कब थी, राहुल गांधी जी जब दिल्ली मिलते हैं या राहुल गांधी जब अमेठी होते हैं,
वो कहते हैं अमेठी से उनका नाता पारिवारिक है, तो परिवार में नानी होती ना, तो वो उनका नाता जब वो वायनाड के सांसद थे तब भी वैसे है आज अमेठी से जैसे जब अमेठी सांसद हुआ करते तब जैसे था। तो अमेठी के लोग तैयार हैं, जिला कांग्रेस कमेटी लगातार संगठन के माध्यम से काम कर रही, वहां पर बहुत सारे समाजसेवी संगठन हैं जो राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उससे बड़ी बात जो एक अमेठी परिवार है वो परिवार लगातार राहुल गांधी जी के ऑफिस के संपर्क में है, हम लोगों के संपर्क में है, संगठन के संपर्क में है, वो लगातार चाहता है कि अमेठी के लोगों से हम सबसे एक भूल हुई है उसे सुधारने का मौका मिले, जो अमेठी का विकास रुका था फिर शुरू हो, राहुल गांधी जी के नाम से जो अमेठी का नाम था पूरी दुनिया में वो फिर से रोशन हो, इस बात को लेकर अमेठी लोग तैयार है और राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए नाम ऐलान होने भर को है, लेकिन ये नामों का ऐलान कब होता है ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी ये खबर हमें भेजी थी दिल्ली से हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने। बाकी आपका क्या कुछ राहुल गांधी और जो स्मृति ईरानी की फाइट को लेकर कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी रायबरेली में जो अपना चुनावी आगाज करेंगी उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।